दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे हाउ इलेक्ट्रिकल स्लिप रिंग वर्क्स। इलेक्ट्रिकल में स्लिप रिंग काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे रहता है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिकल स्लिप रिंग होता है दोस्तों, इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस भी कहा जाता है। स्लिप रिंग का मेन काम होता है दोस्तों पावर या सिग्नल को स्टेशनरी स्ट्रक्चर से दोस्तों रोटेटिंग स्ट्रक्चर में दोस्तों सिग्नल को ट्रांसमिट करना। स्लिप रिंग को कलेक्टर रिंग भी कहा जाता है और रोटरी इलेक्ट्रिकल जॉइंट भी कहा जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल स्लिप रिंग का दोस्तों दो मेन कॉम्पोनेंट्स रहता है, एक हो गया दोस्तों मेटल रिंग्स, दूसरा हो गया दोस्तों ब्रशेस कॉन्टैक्ट। रिंग नंबर और ब्रश नंबर कितना होगा दोस्तों, ये मशीन के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। ये जो ब्रश होता है दोस्तों ग्राफाइट का होता है या दोस्तों फास्फोरस ब्रोंज का बनाया हुआ रहता है, और दोस्तों रिंग्स जो होता है ब्रश या दोस्तों सिल्वर से बनाया हुआ रहता है। ये जो ब्रश होता है दोस्तों रोटेटिंग रिंग्स के साथ दोस्तों फिक्स्ड रहता है। ये जो ब्रश होता है दोस्तों कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है रिंग्स के साथ, स्प्रिंग्स की दोस्तों प्रेशर की वजह से दोस्तों ये कॉन्टैक्ट मेंटेन रहता है। ये जो रिंग रहता है दोस्तों एक दूसरे से इंसुलेटेड रहता है, इसका जो दोस्तों इंसुलेशन होता है प्लास्टिक का या नायलॉन का होता है। ये जो रिंग्स होता है दोस्तों रोटर के ऊपर माउंटेड रहता है। दूसरी तरफ दोस्तों ब्रश जो माउंटेड रहता है वो ब्रश हाउस के ऊपर, इसमें दोस्तों रिंग हो गया रोटेटिंग सिस्टम और ब्रश हो गया दोस्तों फिक्स्ड सिस्टम। रिंग्स जब दोस्तों रोटेट होने लगता है तब दोस्तों इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है दोस्तों कनेक्टेड हो जाता है ब्रशेस के साथ। इसी तरीके से दोस्तों कंटिन्यूअस कनेक्शन होता रहता है दोस्तों रिंग्स और ब्रशेस के बीच में।